गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जर्नल फिलोंग जैंग को इस वॉर में फाइट करने देने के लिए मान जाते हैं। अब आगे जहां हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो सभी डेमन्स उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां वो पावरफुल टावर भी अपनी पावर से लगातार उन डेमन्स पर अटैक कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अब जर्नल जू से यू भी उन पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अपने एक भाले को बाहर निकाल सीधा उस डीमन जर्नल के ऊपर फेंक देते हैं। अब इसे देख वो डीमन जर्नल अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसी मौके का फायदा उठा जर्नल जू से यू अपने और दो वेपन को बाहर निकाल सीधा उस डीमन जर्नल पर अटैक कर देते हैं, जहाँ दूसरी तरफ भी वेदी सिटी के सभी सोल्जर्स उन डीमन्स पर अटैक कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन डीमन्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे होते हैं। पर दबे जर्नल जू से यू के फ्लाइंग बोट से एक काफी खतरनाक अटैक उन सभी डीमन्स पर हो जाता है, जिस कारण वो सभी डीमन्स वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी अब हम इधर जर्नल जू से यू को उस डीमन जर्नल से फाइट करते हुए देखते हैं, जो उस डीमन जर्नल के हर एक अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉच कर रहे होते हैं। पर तभी वो डीमन जर्नल अपने एक वेपन से जोरदार अटैक जर्नल जू से यू पर कर देता है, जिस कारण जर्नल जू से यू घायल हो वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो अपने दो खास वेपन को बाहर निकाल सीधा उस डेमोनिक पोर्टल पर ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो सारे डीमन्स उसी पोर्टल से बाहर आ रहे होते हैं। अब इस अटैक के कारण वो पोर्टल खराब हो जाता है और उससे कोई भी डीमन अब बाहर नहीं आ पा रहा होता है। अब यह देखकर डीमन जर्नल को काफी तेज गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरा टेलीपोर्टल खराब कर दिया, अब मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो डीमन जर्नल अपने सभी डीमन्स को ऑर्डर दे देता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज इनमें से एक भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी दूसरी तरफ जर्नल जू से यू घायल होने के कारण खुद को नहीं संभाल पाते हैं और नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें बचाने के लिए एक फ्लाइंग बोट सीधा उनकी तरफ जा रही होती है, जिसके अंदर से जैंग काफी तेजी से आगे बढ़ अपनी नाइफ को बाहर निकाल सीधा उस डीमन जर्नल पर अटैक कर देता है, जो वहाँ हवा में घूमते हुए सीधा उस डीमन जर्नल को लग जाती है और वापस वो नाइफ जैंग के हाथों में आ जाती है, जिसके बाद जैंग अपनी अजोरा ड्रैगन को बाहर निकाल उन सभी डीमन्स पर अटैक कर देता है। तभी दूसरी तरफ घायल जर्नल जू से यू सीधा उस जैंग की बोट पर गिर जाते हैं, जिस बोट में मास्टर फ्यूरी भी होते हैं, जो जर्नल जू से यू को संभालते हुए कह रहे होते हैं कि जर्नल आप अपने सभी सोल्जर्स को वेदी सिटी में वापस लौटने को बोल दे, जिस पर जर्नल जू से यू कहते हैं कि नहीं, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। पर तभी इतने में ही अब वो दूसरा टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस कारण अब उनकी बोट में आग लग जाती है। अब यह देखकर मास्टर फ्यूरी घबरा जाते हैं, पर तभी अचानक से उनकी बोट में एक और आग लगी हुई बोट आकर गिर जाती है, जिससे जैंग झुक कर बच जाता है। जिसके बाद जर्नल जू से यू कहते हैं कि अब बहुत ही देर हो चुकी है, हमारे दोनों पावरफुल टावर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो उन डीमन्स को रोकने में हमारी काफी मदद कर रही थी, और अब उन्होंने अपने डेमोनिक पोर्टल को भी ठीक कर लिया है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि हम उनसे जीत पाएंगे। तभी दूसरी तरफ उस पोर्टल से काफी सारे डीमन्स बाहर आते ही जा रहे होते हैं। अब यह देख कर जर्नल जू से यू वहाँ पड़े एक ड्रम को बजाने लगते हैं और अपने सभी सोल्जर्स से कह रहे होते हैं कि टू टावर्स के सभी सोल्जर्स, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर हम इनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिस पर जैंग कहता है, क्या हमारे पास बस यही एक रास्ता है? तभी अब मास्टर फ्यूरी कहते हैं कि ये एक वॉर है और अब हमारे पास पीछे हटने का टाइम नहीं है,
और वैसे तुम्हें पता ही है, बिना खून बहाए कोई भी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अब यह सुन जैंग चौंक जाता है। जहां अब दूसरी तरफ वो डीमन जनरल खुद की जीत देख काफी जोरों से हंस रहा होता है और अपने सभी डीमंस को उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। जहां अब वो सभी सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत का यूज कर उन डीमंस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी कुछ देर इसी तरह से फाइट होने के बाद अचानक से उन डीमंस का पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख वो डीमन जनरल कहता है कि ह्यूमंस ने खुद को सैक्रिफाइस कर हमारे पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब हमारे पास ज्यादा डीमन सोल्जर्स नहीं बचे हुए हैं, इसलिए अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम उन्हें बाद में देख लेंगे। अब इतना बोल वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं, पर जनरल ज़ुसियु को अपने इतने सारे सोल्जर्स को खोने के कारण काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है। तभी अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी घायल सोल्जर्स को पकड़ कर लाया जा रहा होता है ताकि उन्हें हील कर सके। तभी अब जनरल ज़ुसियु भी जनरल फिलोंग के पास आकर कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं टू टावर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिस पर जनरल फिलोंग कहते हैं कि अबे ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम जाओ और खुद को हील करो क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जहां अब जनरल ज़ुसियु इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं इस बार तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।